हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ हाजी न्यूज में। हिंदू नाम बता के मुस्लिम शख्स सब्जी बेच रहा था तो वहां पर विधायक ने धमकी दी मोहल्ले से निकल जाने की। चलिए जानते हैं मामला क्या है, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे सामने ये मामला नखलाऊ से आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर जगह पर जो कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ है, उस दौरान ही काफी सारे ऐसे विरोध हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियां, समुदाय अलग अलग लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये चीज बता दी है कि भाईचारा कायम रखिए। ये कोई कोरोना वायरस कोई एक जात से नहीं आया है, ये एक वायरस है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो आप लोग और भी ज्यादा समस्या को ना बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे सामने नखलऊ से ये मामला आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रिजभूषण जी ने अभी एक अपने मोहल्ले में आए हुए एक सब्जी वाले को वहां से भगाया। और जब उनसे बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया कि वो जो शख्स था वो मुस्लिम था और वो गलत नाम बता के वो अंदर घुसा था, जिसके कारण हमने उसको यहाँ से भगा दिया और वो यहाँ पर वापस ना आए, इसलिए उसको धमकी भी दी है। आई होप गाइस आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की और भी अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।